बनारस में जो है कि हमारे भतीजे का दुकान है ज्वेलरी का चौक में, और वो कई छोटे छोटे दुकानदारों कई व्यापारियों से पैसा लेकर के जो है बाहर से जेवर मंगा कर काम करते रहे। उसी क्रम में कल इनके दो स्टाफ गाड़ी लेकर के लगभग 40 लाख रुपया के आसपास पैसा था गाड़ी लेकर के आए हैं। सुबह इनको किसी थर्ड पार्टी ने मेरे भतीजे को रिंकू को जो है सूचना दी है कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। चूँकि गाड़ी भी किसी दूसरे के नाम से था तो गाड़ी मालिक के पास यहाँ से संभवतः फ़ोन गया थाने से। गाड़ी मालिक ने मेरे भतीजे को फ़ोन किया कि लगभग 40 लाख रुपये का जो है मतलब ऐसी ऐसी घटना घट गई है, तो फिर हम लोग बनारस से यहाँ पर आए। गाड़ी लोग पैसा ढूंढने साथ क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली जब पता लगा था कि गाड़ी मतलब मारे पीटे हैं इनके स्टाफ को, उसके बाद गाड़ी भी छीन के भाग गए हैं, बाद में जब यहाँ पर आए हैं लोग पता लगा कि गाड़ी मरम्मत किया गया है पुलिस के द्वारा और लगभग 40 लाख रुपये से नगद मिला है। पुलिस को कुछ कैश मिला क्या गाड़ी? भैया इसकी जानकारी अभी तक कहीं कुछ नहीं है, और जहाँ तक कि FIR या एप्लीकेशन की बात आ रही है, चूँकि घटना घटा था प्रतापगढ़ थाना जिले में और बरामद हुई है ये आपके कौशाम्बी जिला में, आपका नाम? तो ये दिन भर पुलिस अपने में ही परेशान थी कि किस थाना क्षेत्र में घटना को कवरेज किया जाए। मैं किशोर कुमार सेठ, जिला महामंत्री, उत्तर प्रदेश सड़कार संघ। क्या घटना हो गई भैया? घटना है कि मैं बनारस से जो मेरा कर्मचारी था वो दिल्ली के लिए मैंने यहाँ से निकला था, तो उसके पास करीब मेरे गाड़ी में 40 लाख रुपये करीब था, वो 40 लाख रुपया लूट कर लिया। शिकायत आपने करी कहीं? हाँ, शिकायत अपने SP साहब को की है। SP साहब का तो कहना है कि कोई तहरीर नहीं मिली, कोई शिकायत नहीं, लूटा नहीं, नहीं बता रहे हैं। मैं सुबह से यहाँ पे आया हूँ, सुबह 8 बजे से करीब हूँ यहाँ पे जी। तो मैंने उनको सब बताया, घटनास्थल पर भी वो गए थे। किससे शिकायत करी थी आपने? SP साहब से। आपके कर्मचारियों को मारा उड़ा भी गया है? हाँ, मेरे कर्मचारी को मारा भी गया था। अभी तक मुकदमा क्यों नहीं लिख गया आपका? मैंने आश्वासन नहीं दे रहा, SP साहब ने, पुलिस वाले सब ने मेरा साथ दे ही रहा है, ऐसा नहीं। घटना स्थल पर गए थे SP साहब भी गए थे। वो बनारस से दिल्ली जा रहे थे। पैसे किस लिए भेजे जा रहे थे? पैसे हमारा कारोबार है वहाँ पे, उसके हिसाब से बनारस से दिल्ली पैसा। कितना पैसा? गाड़ी क्या क्या लूट हुई आप बताइए? 40 लाख रुपये मेरा लूट हो गया। 40 लाख रुपए कैश? 40 लाख रुपए मेरा कैश लूट हुआ। आपकी गाड़ी में सेफ टूटा हुआ है, आपके गाड़ी में 20 लाख रुपए कैश बरामद भी किया है पुलिस ने। हाँ, 20 लाख रुपए मेरे बरामद। टोटल आपकी गाड़ी में अमाउंट था कितना? 40 लाख रुपए था। लूट कितने की हुई? 40 लाख की लूट थी, 20 लाख रुपए पुलिस ने बरामद। 20 लाख रुपए जब आएगा सामने तो टोटल आपके पास 60 लाख था। 40 लाख तो 40 लूट गई तो 20 बचे कहाँ? नाम बता। 20 नाम आपका? आप नया ज्वाला प्रसाद सेठ। सर 16 घंटे हो गए सर, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। 16 घंटे में अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, घटना हुई है कि नहीं हुई है? नहीं वेरीफाई होता। और बताओ, यही बता दीजिए सर कि वेरीफाई बताऊँ तो यार अभी ये चीज जब मैं वेरीफाई नहीं करता हूँ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? बड़े बड़े 16 घंटे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? करोड़ों की लूट हुई है, गाड़ी मिल गई है, व्यापारी है, व्यापारी बैठा था, क्या लूट हुई है? क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? व्यापारी से व्यापारी बात क्यों नहीं करने दे रही है? व्यापारी को सामने क्यों नहीं ला रही है? मीडिया सामने क्यों नहीं आ रही है? बिल्कुल व्यापारी है, लूट हुई है, कितने लूट हुई है, आप क्या करना है? 3 जिले की फोर्स क्यों परेशान कौशाम्बी में? टोल चेक कर रही है, वही वेरीफाई तो क्या क्या घटना हुई? घटना वेरीफाई सर, व्यापारी किस घटने की सूचना की वेरीफाई कर रहे हैं? किस घटने की सूचना वेरीफाई कर रहे हैं? गाड़ी लूटने की सूचना थी, ठीक है सर, मैं उसी को वेरीफाई कर रहा हूँ।